मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत भी चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता प्रदेश भर में जनसभाएं कर चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले की देवरी विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है जो सवा साल के लिए आई थी। सीएम शिवराज ने कहा कि मुझे पता चला है कि कमलनाथ अभी खुरई आए थे, वे बोल रहे थे कि बच्चा किसी के घर हुआ और सूर्य भारतीय जनता पार्टी ले लेती है। उन्होंने 15 साल में सरकार बनाई लेकिन वह भी ढंग से नहीं चला पाए। 15 साल में मौड़ा हुआ उसी को चूम चूम कर मार दिया और बात हमसे कर रहे हैं। कमलनाथ ने 15 महीने में करप्शन, क्राइम और कमीशन की सरकार चलाई है। तुमने पाप किया है कमलनाथ। चुनाव में एक बहाना था, देवरी वालों हमें तो आपके दर्शन करने आया था। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाल में बहनाए आई है, मैं बहनों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार ये पूरा मध्य प्रदेश सबका परिवार। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और जनता का पूजा।